हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने टाइम का सही उपयोग कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने कक्षा सातवीं और आठवीं में दोनों ही क्लास में काम आने वाले ऐसे विषय के बारे में बताऊंगी जो आपको बहुत ही उपयोगी है। हिंदी ग्रामर में संज्ञा, जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा के बारे में आज हम जानेंगे कि वह क्या है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग में लाई जाती है। तो उसका हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है। स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है, इसमें आप क्या समझ में आ रहे हैं? स्नेहा एक लड़की है जो कि एक पुस्तक पढ़ रही है। इसमें स्नेहा और पुस्तक दोनों ही संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। स्नेहा लड़की का नाम है और पुस्तक जो है वो किताब का नाम है, इसलिए यह दोनों संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। कश्मीर बहुत सुंदर है। अब आप सोचिए, इसमें संज्ञा क्या है? कश्मीर बहुत सुंदर है, इसमें हमें एक जगह के बारे में पता चल रहा है जिसकी सुंदरता बता रहे हैं। तो जो जगह का नाम आता है, इसमें जगह का नाम क्या है? कश्मीर। कश्मीर जो है वह बहुत सुंदर है, तो कश्मीर जो है वह क्या कहलाएगा? संज्ञा। जो भी नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। आज बहुत गर्मी है। अब इसमें क्या है संज्ञा किसको बोलेंगे? आज बहुत गर्मी है, मतलब हम गर्मी को महसूस कर रहे हैं। गर्मी दिखती नहीं है लेकिन हम उसे महसूस करते हैं। आज बहुत गर्मी है में गर्मी क्या होगी? संज्ञा। क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं है लेकिन हम उसे महसूस तो कर सकते हैं ना, कि हम उसे अंदर से महसूस कर रहे हैं कि हम बहुत गर्मी लग रही है। उसके बाद चिड़िया चहचहा रही है, इसमें क्या है? कौन चहचहा रही है? चिड़िया। तो हम जो है चिड़िया की बात कर रहे हैं, चिड़िया के बारे में बता रहे हैं कि वह चहचहा रही है, तो इसमें संज्ञा किसे कहेंगे? चिड़िया। चिड़िया जो है अपनी सारी पक्षी की पक्षियों के बारे में बता रही है, सारी चिड़ियों के बारे में बता रही है, तो इसमें चिड़िया जो होगी वह संज्ञा होगी। इससे आपने क्या समझा? संज्ञा की परिभाषा इस तरह है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी और भाव आदि के नाम से नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद 5 भेद हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने परिभाषा देखी, किसी वस्तु स्थान प्राणी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब उसी के अनुसार हम उसके भेद देखेंगे। इसमें पहला है प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें आप पहला एग्जांपल देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर क्या है? एक विशेष व्यक्ति है जिसे सब जानते हैं। मोर विशेष प्राणी। रामायण की किताब क्या है? विशेष व्यक्ति है जिसके बारे में हर कोई जानता है। ताजमहल विशेष स्थान है, इसके बारे में भी हर कोई जानता है। तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? किसी विशेष व्यक्ति, किताब, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष प्राणी आदि का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल इस प्रकार हैं। कार जो है पूरी कार की जाति का बोध कराती है। नगर यानी कि पूरे के पूरे नगर के बारे में बात हो रही है, तो यह दोनों अपनी अपनी जाति के बारे में बता रहे हैं। तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति भाव या दशा का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इसके इस तरह उदाहरण देखेंगे। पहला है बुढ़ापा। बुढ़ापा यानी कि बुढ़ापा हमें दिखता है लेकिन हम उसे जो है वो एक भाव भी होता है कि हाँ भाई व्यक्ति अंदर से बुढ़ा हो गया है, उसका वो एक भाव आता है। मित्रता भी एक भाव दिखाती है।
दूसरा उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है वे द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। किसी द्रव्य वस्तु का बोध होता हो या किसी धातु पदार्थ का बोध होता हो, जैसे कि पेट्रोल और दूध। पेट्रोल क्या है? वह एक जो है द्रव्य कहलाता है, उसे हम हाथ में पकड़ नहीं सकते हैं। और दूध जो है वह भी एक द्रव्य वस्तु है, उसे भी हम पकड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं वे जो है समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं चाबी का गुच्छा। अब गुच्छा जो है वह एक चाबी नहीं है, उसमें बहुत सारी चाबियां हैं, तो वह क्या हुई, पूरे समूह की बात हो रही है। एक चाबी होती तो वह समूह नहीं कहलाता है, तो यह जो है पूरा का पूरा समूह दिखा रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।